भाभी मिल गई। स्टूडेंट यूनिटी लिखते हैं, फाइनली भाभी मिल ही गई। एक राम भक्त, कट्टो गिलहरी मिल गई। विकी लिखते हैं, क्या बात है भाभी मिल गई। ये कमेंट्स चिराग पासवान के लिए मिस्ट्री गर्ल की पोस्ट पर हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान इस समय नेशनल क्रश बने हुए हैं। और साथी हो या फिर विपक्षी सांसद, जो भी चिराग से मिलता है वो एक बात जरूर कहता है, भाई शादी कर लो। और अब सोशल मीडिया में ये कॉफी डेट की जो तस्वीरें सामने आई ना, हर किसी की जुबान पर अब इसी की चर्चा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ आखिर ये कौन है मिस्ट्री गर्ल जिसके साथ चिराग कॉफी पी रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरुषि निशंक ने चिराग पासवान संग तीन तस्वीरें पोस्ट की हैं। फोटो के साथ लिखती हैं, जो आनंद आप अपने दोस्त को देखकर महसूस करते हैं और जिसका वो हकदार भी है, तो खुशी महसूस होती है। हाँ चिराग, तुम सभी अच्छे और बुरे दौर से गुजरे हो और एक फिनिक्स के रूप में उभरे हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान के संग दिख रही लड़की कौन है। चिराग के संग दिख रही लड़की का नाम आरुषि निशंक है। आरुषि पूर्व एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरीवाल निशंक की बड़ी बेटी हैं। आरुषि इस वक्त 36 साल की हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के क्लासिकल कथक डांसर हैं और साथ में एंटरप्रेन्योर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और कवित्री भी हैं। आरुषि के साथ उनकी फोटो आने के बाद सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आरुषि निशंक और साथ में चिराग पासवान बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो तब से दोस्त हैं जब चिराग पासवान फिल्म इंडस्ट्री में हुआ करते थे। आजकल चिराग पासवान कह सकते हैं राजनेता बन चुके हैं। उनके 5 सांसद इस बार लोकसभा चुनाव जीत कर संसद पहुंचे हैं, जिसके एवज में उन्हें इस बार केंद्रीय मंत्री का पद मिला हुआ है। आपको बता दें कि चिराग पासवान अपने तेज तर्रार तेवर के लिए जाने जाते हैं। जब भी प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठते हैं कि उनकी सरकार गिर जाएगी, चिराग हम बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। चलिए आपको एक तेज तर्रार स्पीच चिराग की पासवान की सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो फिलहाल आपको कैसी लगी मिस्ट्री गर्ल की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।